हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच सेट इज सिमिलर। क्वेश्चन में पूछा है कि नीचे जो ये सेट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सेम है, सिमिलर है, या कौन सा करेक्ट सेट है। फर्स्ट कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफीन फॉलिकल, सेकंड सीबम स्वेट, थर्ड बंडल ऑफ हिल्स पेसमेकर, फोर्थ विटामिन B7 नियासिन। सो द की कांसेप्ट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहां पर प्रोसेसेस दिए हुए हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इस क्वेश्चन में। सो व्हाट आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कि जो भी एक्टिविटीज, जो भी फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उनको कहते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। सो दैट लाइफ मेंटेन हो सके, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज अंदर होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, दैट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ आता है। सो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कॉर्पस ल्यूटियम एंड ग्राफीन फॉलिकल। सो दिस सेट इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज ग्राफीन फॉलिकल क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ब्लीडिंग फेज के बाद फिफ्थ डे से ग्राफीन फॉलिकल बनना शुरू होता है। ये ग्राफीन फॉलिकल क्या करता है, इसमें ओव्यूलेशन होती है 14th डे में और एक मैच्योर एग ये रिलीज करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। जब एग रिलीज हो जाता है तो इस ग्राफीन फॉलिकल का क्या बचता है, कॉर्पस ल्यूटियम, विच इज द येलोइश ब्राउन मास। तो ये क्या होता है, इट इज द रिमेन ऑफ ग्राफीन फॉलिकल। ग्राफीन फॉलिकल का ये बचता पार्ट है। अब ये ग्राफीन फॉलिकल का जो पार्ट है कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि यूट्रस की लाइन को बिल्डअप करते हैं एंड प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो ये दोनों रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड है सीबम एंड स्वेट। सो सीबम मतलब ऑयल जो सिक्रीट होती है स्किन से, और स्वेट मींस जो वाटर स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि स्वेट स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है और सीबम दैट इज ऑयल सेबेशियस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सो ये दोनों इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन थर्ड है बंडल ऑफ हिस एंड पेसमेकर। बंडल ऑफ हिस ये हर्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है उसका एक पार्ट होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है ऑरिकल से वेंट्रिकल्स तक, सो दैट हार्ट बीट कंट्रोल रहती है। दूसरा है पेसमेकर, ये भी हार्ट का एक पार्ट है जो हार्ट बीट की रिदम को सेट करता है। मेनली कौन सी, ऐसे नोट, साइनोएट्रियल नोट को। लेकिन ये दोनों भी इनकरेक्ट है, क्योंकि बंडल ऑफ हिस एक पार्ट है हार्ट कंडक्शन सिस्टम का, जबकि पेसमेकर पूरी की पूरी जो हार्ट रिदम होती है उसको रेगुलेट करता है। ऑप्शन फोर्थ है विटामिन B7 एंड नियासिन। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि विटामिन B7 क्या होता है, इसको बायोटिन कहते हैं, इसका दूसरा नाम बायोटिन है, जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, और नियासिन जो होता है वो विटामिन B3 होता है जो हेल्दी स्किन एंड नर्व्स को मेंटेन करता है। सो द फाइनल आंसर इज ए कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफीन फॉलिकल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।